भारत का स्वरूप क्या है, शरीर क्या है, ये विष्णु पुराण का एक श्लोक हमें बताता है जो कहता है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारतीयत्र संतति। अर्थात भारत वो जो हिमालय से हिंद महासागर तक की सभी विविधताओं और विशेषताओं को समेटे हुए है और उसकी हर संतान भारतीय है। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। इसलिए आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का कारण लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। ये भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। आप देखिए अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जन्म की मार्ग का निर्माण हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है। केरला में गुरुवायूर मंदिर हो या तमिलनाडु में कांचीपुरम वेलंकानी, तेलंगाना का जोगुलांबा देवी मंदिर हो या फिर बंगाल का बेलूर मठ, गुजरात में द्वारका जी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड, देश के अलग अलग राज्यों में हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों पवित्र स्थानों पर पूरे भक्ति भाव से काम किया गया है, काम चल रहा है। हमने गुलामी के कालखंड में जो खोया आज भारत उसे रिनोवेट कर रहा है, अपने गौरव की, अपने वैभव की पुनर्स्थापना हो रही है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं, आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं, आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर
जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है, ये न शुरुआत है न अंत है, ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। देश के प्रधानमंत्री जहां रहते आए हैं उस जगह का नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में अब भारतीय वाद्य यंत्रों की भी गूंज सुनाई देती है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में अब देशभक्ति से सरोबार गीतों को सुनकर हर भारतीय आनंद से भर जाता है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है। साथियों, जब हम कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आस्था की जगहों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं से जुड़ा हुआ हो, जो हमारी विरासत से जुड़ा हो, उसका भी उतना ही तत्परता से निर्माण किया जा रहा है। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित म्यूजियम, पीएम म्यूजियम हो या फिर बाबा साहब आंबेडकर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल हो या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल, ये कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण है। ये परिभाषित करते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी संस्कृति क्या है, हमारे मूल्य क्या है और कैसे हम इन्हें सहज रहे हैं। एक आकांक्षी भारत, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हुए तेज प्रगति कर सकता है। तीर्थों का यह विकास केवल आस्था के विकास का विषय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे तीर्थ समाज की गतिशीलता और राष्ट्र की एकजुटता के भी एक बड़े महत्वपूर्ण जीवंत प्रतीक है। इन तीर्थों और मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु अपने साथ कई नए अवसर भी लेकर आते हैं। किसी भी क्षेत्र में पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होता है। हमारे तीर्थयात्रियों को स्थानीय संस्कृति से तो परिचित करवाते ही हैं, स्थानीय कला कौशल शिल्प का भी प्रचार प्रसार होता है। हम सभी इस बात के गवाह हैं, हमारा केवड़िया, वहां का हमारा एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके बाद वहां पर्यटकों की जो संख्या बढ़ी है, आज दुनिया में महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों में वो एक डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाने लगा है, दुनिया में उसने भी जगह बना ली है। इसी तरह सुविधाएं बढ़ने के बाद काशी विश्वनाथ धाम और चार धाम यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या नित नए रिकॉर्ड बना रही है। इस बार तो केदारनाथ में अभी तो कुछ ही सप्ताह हुए हैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साथियों, आज जब हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए तो देश ने अपनी विरासत पर गर्व के पंच प्राण का आह्वान किया है। अपनी विरासत पर गर्व तब और बढ़ेगा जब हम उसे जानेंगे। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। काशी तमिल संगम हो या सौराष्ट्र तमिल संगम, ये आयोजन
इसके लिए एक प्रभावी अभियान बन रहा है। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। भारत की हजारों सालों की ऊर्जा ऐसे ही तो सुरक्षित रही है, संरक्षित रही है। जब अलग अलग स्थानों के क्षेत्रों के सूत्र से जुड़ते हैं तो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में जागृत हो।